अथ श्रीमद्भगवद्गीता ध्यानम् पार्थाय प्रतिबोधितं भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशोऽध्यायिनीं अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगव गीते भवद्देशिं ॐ श्री परमात्मने नमः अथ चतुर्थोऽध्यायः ज्ञानयोगः श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान्मनवे प्राह मनुरीक्ष्या कवे ब्रवी एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकालेनेह महता योगो नष्टा परन्तपा स एवायं मया तेत्या योगो प्रोक्तो पुरातना भक्तोऽसि मे सखा तेति रहस्यं हि तदुत्तमम् अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्मा विवश्वता कथमेतद्विजानीया त्वमादौ प्रोक्तवानिति श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्था परन्तप अजोऽपि सन्नौ ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्
प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्मसंस्थापनार्थाय संभव्यामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे द्योव्यम्, एवं यो वेत्ति तत्त्वता। तत्त्वादेहं पुनर्जन्मा नैति मामीति सोऽर्जुना। वितरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाशिता, बहवो ज्ञानतपसा होता मद्भवमागता। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ जय भगवद्गीते मैया, जय भगवद्गीते। हरिः कमलविहारिणि, हरिः कमलविहारिणि, सुन्दर सुपुनी